थोड़ा सा मुल्ला आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, मतलब रिलीजन और फेथ को यूज किया जा रहा है ना, ये शुरू से आउट हो रहे हैं वो सारे मुल्ला तो नहीं है ऐसे। डेप्थ डेप्थ वाले लोग या तो बात मतलब खत्म हो गए या लोग बात ही नहीं समझ रहे कि काम होता किस तरह। न्यू प्रोडक्शन हाउसेस केम इन जिनको मुझे मैं नहीं समझता तरीका क्या काम करने का। हम जिंदगी तमाशा को बंद कर रहे हैं, वहां से वो टर्किश ड्रामे आ रहे हैं। और यार हेलो, टर्किश ड्रामे चलाना इट्स नॉट राइट। Salam everyone and welcome to another episode of Behind the Curtain. A critically acclaimed award-winning director who has films that include the Lux Style award-winning Mor, which was also selected to premiere at the 20th Busan International Film Festival, was proud to be sent across as Pakistan entry for Best Foreign Language Film at the 88th Academy Awards. 0212 is his directorial debut. Zinda Bhag as an associate producer, along with Downward Dog, in which he has credits for producer, writer and director, and then probably one of the finest films to come out of Pakistan, and Motorcycle Girl as a co-producer to his credits. I have with me the one and only individual who's given more than everything for the Pakistani television industry, media, commercial-wise, film-wise, to go through his creative adverse and believes in strong professional values. Jamshed Mahmood, also known as Jami, a very blunt individual, a very strong advocate of women rights, actually a very, very strong advocate and everything and anything related to human rights. Sir, how are you? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप मूव हो गए, हैव यू मूव्ड अवे फ्रॉम पाकिस्तान? यार मैंने बच्चों को मूव कर लिया था, मेरी अपने सेंसर होते हैं क्योंकि लाइक आई ऑलवेज से अपने पोस्ट पे मैंने जिया उल्लाह का जमाना देखा है एंड आई हैव सीन ऑल दिस। व्हेन जिया आता है तो फिर कुछ पावर्स भी आ जाती हैं साथ, एंड देन फिर कुछ चीजें सोसाइटी में आउट हो जाती हैं जो मैं पहले भी देख चुका हूँ कभी। मतलब कुछ जैसे मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा मुल्ला आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, मतलब रिलीजन और फेथ को यूज किया जा रहा है ना, ये शुरू से आउट हो रहे हैं वो सारे मुल्ला तो नहीं है ऐसे। लेकिन जैसे तो जिंदगी तमाशा बंद हुई, ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी है। और सेंसर बोर्ड में मुल्ला आए बैठे, टीएलपी आए सॉरी टीएलपी के लोग आए बैठे और एंड फिल्म चेक की गई, तो उस तरह तो पॉइंट ये था कि मैंने एटलीस्ट अपने सोचा है कि अपने बच्चों को दुनिया दिखा के वापस ले आऊंगा। एटलीस्ट ये जमाना जमाने सीखने के लिए नहीं है बच्चों का भी, ये दुनिया सीखने के बजाय मैं ये से कहूँ कि हाँ भाई यही होता है पाकिस्तान में, भाई पाकिस्तान में ये नहीं होता, पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीजें भी होती है, खूबसूरत चीजें भी हो सकती है जो कि होंगी आई गेस। नाउ गोइंग ऑन टू द टेलीविजन कमर्शियल इंडस्ट्री, स्टार्टिंग इंसेप्शनलाइजिंग म्यूजिक इंडस्ट्री, हाउ हैव वी मूव्ड ऑन टू प्रोफेशनलिज्म? मतलब कि क्या हम एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री थे, हैं या बहुत ही ज्यादा सुपर प्रोफेशनल है? या मैं टेलीविजन कमर्शियल इंडस्ट्री को कहता हूँ कि वो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल कहने को हमारे जनरेशन में हुई आई गेस, लेट्स से जिसमें हम कह सकते हैं कि पोस्ट 90s 95 में हुई, क्योंकि उससे पहले प्रोफेशनलिज्म था पाकिस्तान में। देखो हम पाकिस्तानी फिल्म मेकर जो होते हैं ना, मेरी जनरेशन की और मेरे बात के कहते हैं फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान वी शॉट समथिंग ऑन दिस और वी शॉट समथिंग। भाई पाकिस्तान में सब चीजें हो चुकी थी पहले, दे फॉरगॉट 60s 70s 80s, तब बहुत अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर काम कर रहे थे बेचारे यार, जिनको निकाल के हमने बाहर फेंक दिया गया और खत्म कर दी इंडस्ट्री थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जो कि ग्लोबली लोगों मतलब मार्केट में काम कर रही थी आराम से। देन यू नो वॉट हैपेंड के वो इंडियन फिल्में बैन हो गई, राइट right. बात वही है कि आप सिनेमा आते हैं, यानी कि एक ऑडिटोरियम आते हैं, आप एक कंपटीशन देखने आते हैं, एक अच्छी चीज देखने आते हैं। जब कंपटीशन नहीं है तो लोग क्यों आएंगे? एंड देन वी फॉरगॉट कि VHS आ गया, DVD आ गया, तो देन प्रोफेशनलिज्म खत्म होता गया और ऐसे लोगों को जगह मिल गई जो कि लिटरली मतलब प्रोफेशनलिज्म तो अब तो बहुत दूर की बात है, मतलब थोड़ा ऑफ हो गया बॉस। और इसमें हम डायरेक्टर्स का ज्यादा हाथ है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब कोई कमर्शियल आता है तो उसकी रूह में नहीं जाते हैं, उसको उसमें जाते हैं कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कौन होगा, आर्ट डायरेक्टर कौन होगा, उसकी लुक बना लेंगे। इसकी यार लुक छोड़ो, उसकी रूह को तो पकड़ो पहले। नहीं नहीं वो हो जाएगी यार, वो आउट ऑफ फोकस कर देंगे, शैलो डेप्थ तो फील कर देंगे, फ्लेयर डाल देंगे, यू नो इट्स नॉट गोना हैपन। अगर हम 10 साल यही करते रहेंगे, 15 साल अगर आप एक चीज को फॉलो करते हैं ना, आप अभी भी देखें चीजें उसी तरह फॉलो हो रही हैं, वही खिड़की से फ्लेयर आना है, जिस खिड़की में जाएंगे फ्लेयर आएगा भाई, हर जगह हर खिड़की में तो सन नहीं आ सकता ना,
तो बट पॉइंट ये कि डेप्थ वाले लोग या तो मतलब खत्म हो गए या लोग बात ही नहीं समझ रहे कि काम होता किस तरह है। हाउ हैज द पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री रेवोल्यूशनाइज एंड इवॉल्वड कंटेंट इन पाकिस्तान फ्रॉम योर साइड? Are we going back? Are we moving forward? काफी लोग जो है ना वो बड़े वो golden years share करते हैं, जिस तरह आपने कहा कि cinema industry हमारी golden age में थी, हम evolve हो रहे हैं content wise speaking? नहीं यार, बिल्कुल नहीं हो रहे। अच्छा, बिल्कुल नहीं हो रहे। आप नोट करें, आप इंडस्ट्री वाइज देख लें, आप टीवी को देख लें, उसमें औरतें रो रही हैं, कौन लोग क्या कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज गोइंग ऑन लाइक दिस। एक खास किस्म के टीवी ड्रामे बनते रहते हैं। अच्छा ठीक है, देन आप आए टीवी कमर्शियल इंडस्ट्री में। अब राइट नाउ लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्शन हाउसेज केम इन, जिनको मुझे मैं नहीं समझता तरीका क्या काम करने का, उनको काम कैसे मिलता है। वो पूरा मेरा काम खाली स्क्रीन तक नहीं रहा है। हमारा काम, जैसे ही आप सीनियर होते हैं, आपका काम हमेशा ये होता है कि आप इंडस्ट्री की हेल्प करते रहें इंडिविजुअली। अब आप अकेले इंडस्ट्री नहीं बना सकते, बकवास। मैं कहूँ कि नहीं, मैं ही हूँ बनाने वाला, आप नहीं है बनाने वाले, लेकिन आप एक पार्ट अपना प्ले करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो वो मेरा पार्ट है, वो मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग आए, पहले भी आए, 10 साल पहले वो आते हैं, किसी तरीके से काम करते हैं, एंड देन द इंडस्ट्री गोज टू बैंकॉक या इंडस्ट्री गोज टू पोलैंड। अच्छा भाई, अब आप देखते रहे, देन सारे पैसे जाते रहे आपके, 15-20 साल बैंकॉक जाते रहे। एंड हमारी जनरेशन, हम उससे पहले की जनरेशन के लोगों ने ही किया कि कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं, जैसे अदनान कोशिश करता है, जैसे जिंदा भाग वाले कोशिश कर रहे हैं, जैसे सरमत कर रहा है बेचारा। आप सरमत को देखे, जुल्म है, आपको रोक दिया और बंद कर दी फिल्म। यही जुल्म है बॉस, ये जुल्म है, और सबके सामने हो रहा है, और गवर्नमेंट भी देख रही है, और पीएम भी देख रहा होगा क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और क्यों नहीं हो। मतलब हम जिंदगी तमाशा को बंद कर रहे हैं, वहां से वो टर्किश ड्रामे आ रहे हैं। ओ यार हेलो, अपने को तो भाई बचाओ, पहले अपने को तो बचाओ। और लोग समझते हैं कि मैं पीएम के पीछे पड़ गया हूँ। देखिए, मैंने उसको इस साल भी, उस दफा भी वोट दी, मैंने कहा चलो यार, बिल्कुल शायद कुछ, इससे पिछली दफा तो 7 साल पहले तो मैंने अपने पैसे लगाए थे इलेक्शन में। Oh, wow. हाँ, सबके साथ मिलके हमने, और भी आर्टिस्ट थे वो लिखते थे, उनको नाम ही लूंगा तो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ मिलके हमने कमर्शियल बनाया, रोडों पर गए, इवन अपने पैसे लगाए थे यार, कि हम बिलीव करते हैं चेंज में। तो अभी टर्किश ड्रामे चलाना It's not right. If you speak about people who are kind of struggling and going on, is it true that there's a lot of meddling going on by agencies, a lot of dictation going on? बहुत control करते हैं कि आपके content को, you know, my brother works in an advertising agency, बोलते हैं यार बड़ा एक मसला होता है कि you know creativity खत्म हो जाती है, मर जाती है, chance नहीं मिलता है directors को काम करने का। That's a very common norm in your opinion, or is it a stage of part कि आपको accept करना पड़ता है till you grow? Yeah, Rafab, it's a catch-22. ये चिकन एग वाला चक्कर है कि लेट्स से अगर डायरेक्टर आता है, जैसे पहले मैं शुरू में ना कमर्शियल में बहुत वो था, वीक था, ठीक है, मैं शूटिंग बहुत अच्छी करता था, लेकिन जो पीपीएम सी जो मीटिंग होती थी क्लाइंट से, वो आ रहे हैं तो उसमें बोल रहे हैं कि अच्छा हाँ गुड, अच्छा नाउ एवरीबॉडी इज चेकिंग यू, भाई क्या है ये, किस किस्म की टोन है, राइट, कॉन्फिडेंट है, तो आप दरवाजा खुद खोलते हैं तो लोगों को बोलने का। इफ यू नो योर गेम एंड नोइंग योर गेम मींस, देखें या वो 10,000 आवर्स वाली बात कर लें उसको, या वॉट एवर अपना आपने जिंदगी दे दी है इस काम सही, को सही, तो इट्स वेरी इजी राफे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जैसे डॉक्टर जो है दिन में 3 ऑपरेशन भी कर लेते हैं, हार्ट के, आंखों के, कर लेते हैं, इट्स डिफिकल्ट, बट दैट्स व्हाट दे डू एंड दैट्स व्हाट दे बिलीव इन, then it's very easy. It's just आपको अपने आप को, आपका अपना स्टेमिना, बॉडी का स्टेमिना की बात नहीं, आपके डिसिप्लिन का स्टेमिना क्या है। अब तो फोरम्स बन गए जहाँ पे हम पाकिस्तानी एड्स उठा के इंडियन के साथ, बड़ा वो कॉमन हो जाता है कि यहाँ से छापा हुआ है, वहां से छापा हुआ है, इंस्पिरेशन खत्म हो गई है। बट इफ आई एम टू आस्क यू, हैविंग सो मच एक्सपीरियंस, वेयर डू यू गेट योर इंस्पिरेशन फ्रॉम? हाउ डू यू गेट इट ऑल राइट एंड करेक्ट? हाउ मेनी, बिकॉज यू समटाइम्स यू टेक डेज, वीक्स टू शूट अ कमर्शियल, सो आई मीन यू पुटिंग सो मच टाइम इनटू इट, हाउ डू यू एंड योर टीम गो बैक फॉर एनीवन हु इज इंस्पायरिंग टू बी अ डायरेक्टर, हाउ डू यू वर्क ऑन इट? यार मैं पहली चीज से स्टार्ट करूंगा कि मैं कोई वैसे बहुत बड़ा फिल्म मेकर नहीं होगा दुनिया के लेवल पे, इंडियन लेवल पे भी देखा जाए, नोबडी टेक्निक। बट अब ये बोलते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमारा प्रोसेस बहुत तकलीफ दे।
तकलीफ दे मीन्स ये है कि एक अच्छे प्रोफेशनल का तरीका ही होना चाहिए, अगर उसको आइडिया नहीं आ रहा है बस वो रातें इतनी तकलीफ दे होती है कि यार मैं वीक हो रहा हूँ, मेंटली वीक हो रहा हूँ, स्पिरिचुअली वीक हो रहा हूँ, मसला क्या है, देन मीटिंग्स कॉल हो जाती हैं, कभी साइमा आके बैठी हुई नहीं, या ये नहीं हो रहा, ये नहीं अच्छा है, फिर तो हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में, फिर ये और ये चलता रहता है, एंड तक चलता रहता है, काफी मतलब काफी चीजें ऐसी होती हैं तो शूट के दिन आप कंफ्यूज होते हैं, हम करके आ रहे हैं, नहीं यार ये उसकी सोल नहीं है, इसका रूप नहीं है ये, जैसे मोर की मुझे मोर नहीं लिखनी थी फिल्म, मैं लिखना नहीं आती मेरे को, ठीक है मैं राइटर को दी, उसने नहीं लिखी सही, एक दो तीन साल पहले लिखी, नहीं लिखी, अब ऐसा हो गया कि जिस दिन शूट थी उस दिन लाइटिंग हो चुकी है, फिर लाइटिंग हो चुकी है, ब्लॉकिंग भी ऑलमोस्ट हुई भी, और मैं क्या कर रहा हूँ, No way, अच्छा, okay, okay, okay. 60% of more, boss, 60% of more, every day I was writing because ये इतना टाइम लगा लिखने में, जब तक शूट स्टार्ट हो गई, मुझे विंटर्स चाहिए थे, क्वेटा में, विंटर्स, राइट, राइट, अब टाइम होता है साथ, और मेरी 48th बर्थडे थी, मैंने कहा मैं 40 साल से पहले फिल्म शुरू कर रहा हूँ, चाहे सिनेमा आए या ना आए, पाकिस्तान में वार आए या ना आए, I am shooting my film. सही तो हमारा प्रोसेस जो बहुत तकलीफ दे होता है, जो तकलीफ दे और आप होना चाहिए, अच्छा दूसरा ये कभी कभी बिल्कुल तकलीफ दे नहीं होता, जैसे तरणा और रवा है, खाड़ी है, बिल्कुल तकलीफ देनी है, क्योंकि वो एक सिनेमैटिक जोन में पहले से आया हुआ था एजेंसी से, ठीक है, पहले से एक फिट स्लॉट में काम हुआ हुआ था, लोगों ने काम किया हुआ था, एजेंसी को पता है क्या काम है, क्या करना है, कहां लग तक लेके जाना है, दैट्स व्हाई दे केम टू मी कि जाने इसको और आगे ले जाओ उसको, दैट इज द ट्रू प्रोसेस, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आपने जो चीजें अपने काम में रोज देखी हुई होती हैं, आप रेवेनेंट देख रहे हैं आप, मैं इसीलिए बॉलीवुड सिनेमा ज्यादा नहीं देख पाता, क्योंकि वो 90% उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो शशका है, छपाका है, चीजें कर दो पैसे कमाने के लिए कर लो, लेकिन ट्रू सिनेमा जो है ना वो ऑटोर जो है, जैसे अनुराग कश्यप है, वो अटका रहेगा अपने स्टाइल के अंदर, चाहे आप उसको कुछ भी कह दें, वो नहीं करेगा भाई वो, तो आप आपको डेविड फिंचर देख रहे हैं आप देख रहे हैं यार आजकल क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या हो काम हो रहा है, तो कुछ चीजें बचपन की होती हैं, ये चीजें लोग समझते हैं, बचपन में आपने देखा क्या था, जब आपकी डिस्क लगी थी ना कंप्यूटर में पहली दफा डिस्क लगी थी, उस आपको कहते हैं फॉर्मेट करते हैं उसको, चलो भाई फॉर्मेट होते वक्त क्या चल रहा था, मेरे फॉर्मेट होते वक्त मेरा अब्बा ने मुझे गॉडफादर दिखा दिया, अच्छा अब मैं 5-6 साल का देख रहा हूँ गॉडफादर देख रहा हूँ, गॉड अब भाई क्या है, उस दिन के बाद से मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी राजेश खन्ना की फिल्मों से, कि वो दरख्त के चारों तरफ शमी कपूर आ रहे से निकल रहा है, हमने यार ये फिल्म गाने क्यों शुरू हो जाते, हमें मुझे नहीं समझ आ रहा था उस बचपन में भी ये गाने क्यों आ रहे हैं, एंड एकदम से ऑफिस से बैठे हैं, लड़की को देखो कश्मीर की वादियों में आ गए, धुआं निकल रहे पीछे, अच्छा ये क्या हुआ, मेरे भाई मुझे मजाक उड़ा था, कहते पागल जाने दे यार दफा करो, गाने आ गए। अच्छा ठीक है, one thing is that we are affected by the COVID-19, we spoke about it very briefly, Pakistan media industry being an industry which you know is not like a top, like इतनी अमीर इंडस्ट्री नहीं है लेकिन सर्वाइव कर रही है, डेली वेज वर्कर्स है, कोई 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 यूनियंस नहीं है, कोई गिल्ड्स नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है हमारे पास, और अभी शूट शुरू कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री दुनिया भर में बंद है, हाउ डू यू सी एज अ फिल्म मेकर और डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एज वेल के आगे कैसे बढ़ेंगे, वॉट प्रिकॉशंस डू यू रिकमेंड कि हम इस पे कैसे निकल सकते हैं, बिकॉज दिस इज हेट फॉर अ व्हाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल शुड वी शूट और नॉट शूट एट द मोमेंट एज़ वेल, यार मैं समझता हूँ खाली, अब मैं समझता हूँ कि खाली वो शूट होनी चाहिए जो कोविड को रोकने के लिए हो रही है, SIOT के लिए, व्हाटएवर, इंडस हॉस्पिटल के लिए, वो करें, अग्रीड, वो तो आप नहीं रोक पाएंगे, देखिए वो डॉक्टर भी कर ही रहे हैं, तो मैं पहले तो बड़ा रिएक्शन ही था, मैंने कहा मर मत ना जाए बेचारे लड़के लड़कियां, तो मैंने तो अपनी शूट बंद करवा दी सारी, फिर मैंने हल करके खोलना शुरू किया, चलो इनको तो दो कैमरा, सही, मैंने आके बोला भी था कि वी विल गिव कैमरा फॉर फ्री 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, तो ले मेरा कैमरा, लगता अच्छा ठीक है, कोई आया ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं हुआ, वो खैर पॉइंट ये था कि यार अभी मैं समझता हूँ कि शूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं नंबर्स, अगर हम लोग शूट इस तरह करेंगे, मतलब बंदा फोकस पोलर आके चेक करेगा करीब आके, मेकअप आर्टिस्ट क्या करेगा, अब आप लगा रहे हैं ये ब्रश लगाया, ये ब्रश, ये हाथ उठ के गया दूसरे एक्टर के ऊपर, बिल्कुल सही, हो ही नहीं सकता बॉस, ये लोग नहीं समझते, क्योंकि वो वायरस नजर नहीं आता,
अब मैं कल ही अपनी अम्मी को बोला था कि ये मास्क जो है इतना नहीं बचा सकता, क्योंकि वायरस जो होता है एक पानी या वेपर के ड्रॉपलेट से बहुत छोटा होता है, ट्रिलियन टाइम्स छोटा होता है। तो मैं उनको बता रहा था कि यार मास्क पहने हो भाई, यहाँ परफ्यूम लगा दो थोड़ा कमरे के अंदर, यू विल स्मेल इट थ्रू द मास्क, दैट मीन्स इट्स स्टिल गोइंग। तो बेसिकली तो यही हो सकता है कि आपकी छींट बाहर ना जाए, आप यही कर सकते हैं, और मास्क तो कुछ नहीं रोक रहा जब तक वो N95 मास्क ना हो, या वो N93 क्या, हाँ तो वाला मास्क ना हो। तो राइट नाउ आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल, ये कड़वा घूट है, इसको लेना पड़ेगा। थोड़ा दूर रहें, देखें हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की पिटाइयां शुरू हो चुकी हैं, चीजें तोड़ना शुरू हो चुके हैं लोग। और ये मैं 2 महीने से वार्न कर रहा था, नॉट दैट कि मैं कोई मसाया हूँ, लोग समझते हैं मैं बहुत बोलता रहता हूँ, लेकिन आपको नजर आता है जिस किस्म की कौम है। हम तोड़ देंगे चीजें, हम मारे पीटे करेंगे, उसके बाद डॉक्टरों की पिटाई हो रही है। भाई डॉक्टर ने तो मना कर रहा था, खुदा के वास्ते ना करो, मिन्नतें कर रहे थे डॉक्टर, अब उन्हीं की पिटाई कर रहे हैं, जल्दी करो हमारी बॉडी छोड़ो। अरे बॉडी कैसे छोड़ दें, उस किसी और को लगा देगा। तो अब पता नहीं क्या कचरा शुरू हो गया। तो रफे मुझे, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरा कॉमन सेंस बड़ा स्ट्रांग है, बंद कर दो, मैं भी भूखा मर रहा हूँ, अम्मा से पैसे ले रहा हूँ, बैठा हूँ आपके, कहने का नहीं है तो नहीं है, और अपने लड़कों के तनख्वाह निकाल रहा हूँ, किसी तरह चलता रहे चलता रहे, तनख्वाह ना रोकें, किसी को फायर ना करें आप। और उसके बाद इंडस्ट्री में जैसे मेरी बीवी ने और मेरी अम्मा ने खानदान उठा लिए, हम अब सही रैंडमली रोड पे चलते हुए किसी गरीब को पैसे देना, इट्स लाइक रैंडमनेस है, उसमें ज्यादा कुछ हेल्प नहीं हो पाती। आप खानदान उठा लें, इनको ले के चले एंड तक, इनके कॉलेज में बच्चे निकाले, पढ़ के निकल गए, थैंक यू सलामकुम। ये तरीका मैंने सीखा अपनी अम्मा से, और मेरी बीवी भी एग्जैक्टली ये कर रही है कि आप बच्चे जब छोटे हैं, किसी को खानदान उठा लें, स्कूल लेके जाएं, उनके उनके लोन दे दें, उनको उनके बच्चों को पढ़ाएं, ये करें, फिर एंड में वो कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। तो ये कोई अकम्पलिशमेंट तो है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई फिल्म की, मतलब रिलीज हुई, फिर वो बिल्कुल नेटफ्लिक्स गई, तो अच्छा लगेगा। बजाय भी कहें मैंने एक शॉट दे दिया, तो एक कैमरा दिया, एक दिन के लिए कैमरा दिया था मैंने एक फिल्म को, एक सीन करने के लिए, तो भाई वो फिल्म तो एक ही सीन हुआ, उसको पूरी फिल्म तो खत्म ही नहीं हुई उसकी। ठीक है, सही कुछ कुछ जगह बड़ी अच्छी थ्योरीज हैं, ये वही बात है कि ये बड़े लोगों की बातें होती हैं, समझते हैं गेम को, तो जामी इमोशनल मत हो, ये पैसे हैं इसको एलोकेट कर दो इस काम के लिए। तो इंडस्ट्री को आई थिंक बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा कि अभी शूट, मेरे ख्याल से शूटिंग नहीं होनी चाहिए। सही है। अच्छा, व्हाई डोंट यू आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स टू मेक योर वॉइस हर्ड? आई मीन, व्हाई डोंट यू स्टैंड, बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी पावरफुल ग्राउंड टू मेक योर वॉइस हर्ड टू, आई मीन ऑफ कोर्स सोशल मीडिया एंड बीइंग वोकल, बीइंग अ फिल्म मेकर डायरेक्टर इज दिस, बट डोंट यू थिंक यू कैन मेक अ डिफरेंस? आई मीन, आई ऑल्सो ट्राइड कम्पीटिंग, लाइक मैं जीत नहीं सका, यू कैन प्रॉब्ली गिव इट अ शॉट। यार फिर मैंने ये जिंदगी में 2019 और 18 में चीज सीखी, स्पेशली 19 में लड़ी, एक डेफिनेट डेफिनेटिव एयर था, एक हर चीज सीखने का, इंसान बनने का, अपनी नाइव और इग्नोरेंट लाइफ से निकलने का। मी टू, और मैंने साइकिलिंग टीम बनाई थी अपने दोस्तों के साथ मिलके, लियारी के साथ और नाजाबाद और PCHS के लड़के मिलके, मैं साइकिलिंग टीम कराची एक्सप्रेस, यार मैंने उससे पॉलिटिक्स सीखी है कि जब आप सिंध कि साइकिलिंग फेडरेशन से बात करते हैं, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन से बात करते हैं, तो होता क्या है, अगर आप खड़े हैं तो आपके साथ होगा क्या, अगर आप आवाज निकालेंगे ये चीटिंग हो रही है, नहीं करें चीटिंग, आपको बैन कर देंगे। अच्छा अच्छा कहना, अच्छा बैन कर रहे कर रहे, अच्छा तो मुझे कोई लेटर दे दो यार, नहीं लेटर भी नहीं मिलेगा, रेस में आने नहीं देंगे, लेटर भी नहीं मिलेगा, ताकि कोर्ट में ना चला जाए वो लेटर ना। तो सही। फिर मैंने पॉलिटिक्स सीखी, यार इस वाहियात घटिया, सबसे घटिया चीज है। मेरे नाना यही कहते थे कि यार पॉलिटिक्स में खाली वही लोग जा सकते हैं जो कि उसमें बिलीव करते हो घटियापन में, वरना यार कोई शरीफ आदमी जा ही नहीं सकता। इतना इतना, अब आप देखें, आप इमरान खान को देख लें, 7 साल पहले मैंने पैसे लगाए, इमरान खान वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, उसकी स्पीचेज है 100%, यस 100% उसकी स्पीचेज है, हमने कहा यार बस सही है, नॉट 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 दैट कि मैं यार अगेंस्ट हूँ आर्मी, मैं अपने आर्मी का अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अपने, हमें चाहिए हर डिपार्टमेंट को कंट्रोल रखें, देखते रहे कि कोई दूसरे को पढ़ ना निकले, लोग समझते हैं मैं एंटी आर्मी हूं, बकवास, बिल्कुल बेकार की बात है। तो नाउ इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट, जिसकी जो मर्जी जिस डिपार्टमेंट में आ जाए, कौन क्या हो रहा है, कैसे हो गया भाई ये सब। अब आप बोले तो आपकी ट्रोलिंग होती है, ऐसी ट्रोलिंग होती है, आप ही के अपने दोस्त और PTI के लोग इतनी ट्रोलिंग करते हैं कि जैसे भाई वो तो नाउज़ुबिल्लाह खुदा है, आपने उनकी बात कैसे कर दी,
उन्होंने देखे टर्की ड्रामा भी हिट करवा दिया, इससे जिस चीज को वो छूते हैं वो हिट हो जाती है। अच्छा आदमी किस लेवल पे बात करे और आदमी फिर नहीं समझ में आता, और आपको नजर आ रहा है कि किस तरह फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है, थोड़ा सा एग्रेसिवली आ रही थी और ये आ रही है मतलब, और आप बात ही नहीं कर सकते उसके ऊपर। आज आप कोविड आया हुआ है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे फैक्टर को कि भाई इस वक्त नहीं करो मस्जिद में, थोड़ा सा देख कर आप कर ही नहीं पा रहे, फिर कैसे कैसे होगा फिर तो। फिर तो वो आपने लेवरेज ऐसी दी है लेवरेज के जो मुल्क थोड़ा सा जल गया जिससे थोड़ा सा। सही सही फेयर एनफ। अच्छा एंड वेल आई थिंक देयर इज प्लेंटी ऑफ थिंग्स आई हैव आस्क्ड यू एज वेल, यू कवर्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स विद मी, सो ज्यादा तो नहीं करूंगा, बट ऑन अ वेरी फाइनल नोट आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट anyone watching, filmmakers, film producers, directors, writers, audiences, talent, some thoughts about what to expect, what not to expect. You've seen a lot with your experiences, you've experienced a lot, you've seen the dark side, the good side, some concluding positive remarks maybe. यार मैं अपने फिल्म स्टूडेंट्स मेरे बलूचिस्तान में उनको एक ही चीज सिखाता हूँ कि पहली बात आप स्टोरी टेलर बने, राइटर बने, लिखना सीख लें, बताना स्टोरी बताना सीख लें, एंड बिकम अ स्टोरी टेलर लाइक अ डायरेक्टर, एडिटर, डीपी बने तो आप स्टोरी टेलर हो, क्यों ये सीन आज ऐसे शूट होगा लाइटिंग के बगैर, ये लाइटिंग के साथ ये लेंस क्यों लगा रहे हैं, अब स्टोरी टेलर बन जाए। दूसरी बात ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव पैशनेट हो, मैड लेवल पे हो, ये जो है ना हल्का हाथ रख के करना ये कहीं नहीं जाने वाला। यू हैव टू बी एग्रेसिव एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ थोड़ा सा ना। ये लोग हम लोग हमारी कॉम में ये है कि बच्चों को सिखाया नहीं जाता कि अपने आप पे बिलीव करो, हमारे बहुत सेफ्टी सिखाई जाती है कि नहीं देखो बड़े होकर क्या होगा, पैसे नहीं आएंगे, नौकरी नहीं होगी, तनख्वाह नहीं होगी, तो शादी कैसे होगी, तो भाई शादी नहीं करो यार, थोड़े दिन भूखे रहो, थोड़े दिन हमने 5-6 साल अंडे खाए यार शुरू में, जब आए थे 97 में कि म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री बनना शुरू हुई, हमने मैंने अब्बा को बोला अब्बा भैया 5,000 रुपये देते महीना के, मुझे ये मत बोले मैं नौकरी करूँ इधर जाऊँ उधर जाऊँ, बस मुझे फिल्में लिखने थे, बस खाली फिल्में लिखते थे हमें बैठ के, और उसी ने बचाया मैं, जब फिल्में रेडी हुई आना तो हम रेडी थे, और हमने 2 साल में जब शूटिंग शुरू की तो 2011 में 41 भी की, 12 में मोर भी खत्म की, डाउनवर्ड डॉग भी शूट की एक ही साल में, अजीब चीज कर रहे थे हम लोग, तो वो इसलिए हो रहा था कि हम लोग म्यूजिक वीडियो कर रहे थे और एक एक फलसफे से कर रहे थे कि मैं स्टोरी बोर्ड नहीं बनाऊंगा, पूरा म्यूजिक वीडियो याद करता था, सारे गाना सारे लिरिक्स अच्छा बनाऊंगा, ताकि मुझे लगा था कि अगर मैं दिमाग को अपने ऑन रखूंगा, तेज रखूंगा, क्या होना है तो मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ किसी वक्त भी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप मैंने अपने आप को क्यों किया ऐसे, आप कहेंगे कि यार मेरे को ये लाइट ला के दो, 12 की लाइट चाहिए मेरे को, HMI की, सर नहीं है, अच्छा 6K ला के दो मेरे को, ये वाली स्पेशल लाइट, इसके फ्रेजर लेंस लगा ला, सर नहीं है, अच्छा ये करो वो करो, यार एवेंचुअली ये हुआ कि मैं अमेरिका से आने को मैं कहा यार ये भी नहीं तो है क्या, तो फिर आप एक जंगल में ना, यू बिकम अ गोरिल्ला वॉरियर नाउ, राइट। अब आप एक आप अमेरिकन आर्मी नहीं है कि यार मेरे को यार 15 टैंक भेजना और 2 मुझे एरियल सपोर्ट भी चाहिए और मुझे 2 स्टिंगर मिसाइल ला के दो आ जाएंगे, नहीं है भाई, तो फिर आप गुरिल्ला वॉरफेयर में चले गए, गुरिल्ला वॉरफेयर मोड में जैसे आप गए तो म्यूजिक वीडियो हमने दबा के किए बगैर स्टोरी बोर्ड के, पूरे सारे शॉट याद करते हैं, कोई शॉट लिखा नहीं जाएगा क्या हो रहा है, एंड देन वी डिड इट फॉर 30 म्यूजिक वीडियोज जान के रोज करते रहे, और फिर अपने पैसे हर वीडियो में 8 लाख 4 लाख 10 लाख 15-20 लाख लगते रहे, इवन देने के बाद भी पैसे मिलते थे हमें, जैसे स्ट्रिंग्स ने सबसे ज्यादा पैसे दिए हमें, हमें 20 लाख मिले, 30 लाख मिले कभी, उसके बाद भी 10 लाख रुपये लग गए, तो उसके बाद हमने 3-3, 4-4 लाख में भी वीडियो किए, तो अब देखो मैं तो देखूंगा म्यूजिक वीडियो, अब नोट करें वो ऑलमोस्ट नो बजट है, 4-10 लाख का शायद आई थिंक, ऐसी कुछ याद नहीं है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड म्यूजिक वीडियो देखते अपने कहते ये क्या है, कम्प्लीटली इम्प्रोवाइज, एक बच्चों की शूट है, बच्चे आते हैं पहाड़ पे आके बैठते हैं, मैं तो देखूंगा गाना गाते हैं, बड़ी सिंपल, वो उसी वक्त हो सकती है कि आप में इतना तप्पड़ हो, आप कर करके तप्पड़ इतना आया था कि यार डरो नहीं जाओ, हम लोग मतलब थोड़ा डर जाते हैं, हमें बहुत सेफ्टी नेटवर्क सिखाया जाता है, हमें कुएं में कूदना नहीं सिखाया जाता, कभी नहीं सिखाया जाता, अंधेरे कुएं में कूदो और कूदोगे और अंदर अंदर सोना है मिलेगा,
ये सेफ्टी की वजह से जॉब ही नहीं करो ज्यादा, ये डरो नहीं, या एनी बुरे शॉट मत लो, थोड़ा सा एग्रेसिव होकर डिफरेंट शॉट ले लो, मीनिंग कुएं में कूदो। अब कुएं में कूद रहे हैं, अब गिर रहे हैं, सालों साल गिर रहे हैं हवा में, ब्लैक होल में गिर रहे हैं, अब धड़ा ही गिरे 10 साल बाद, नाउ यू नो वॉट टू डू। अब वो जो अंदर से डायमंड निकलने कुएं के अंदर, वो आपके हुए, सारे सारे आपके हो गए। ये हमें नहीं सिखाया जाता, ये ट्रिक है बॉस। मैं अपने बच्चों को ये ट्रिक सिखा रहा हूँ कि बस स्टेबल मत हो जाओ ज्यादा, ज्यादा स्टेबल मत हो जाओ। जॉब हो गई, गाड़ी आ गई, घर अच्छा बन गया। मैंने जिंदगी में घर ही नहीं बनाया, आज बनाया ही नहीं घर। इसी वजह से कि यार थोड़ा मूवमेंट रहे, मूवमेंट रहे। मैं गाड़ी, अब तो ये करता हूँ, गाड़ी में जाता हूँ, गाड़ी में सो जाता हूँ यार। मैंने कहा होटल में भी नहीं सोते हम लोग, तो उससे ये होता है कि यंग रहेगा, थोड़ा पैशन है, हंगरी हंगरी होना चाहिए। बताया हंगर बहुत बड़ी चीज है। और तो मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े बड़े लफ्ज लोग कहेंगे, बड़े बड़े लफ्ज बोलते रहे हंगर शंगर पैशन। भाई मैं इस बिलीव करता हूँ, मेरे काम में नजर आता है कि 20 दिन की कोई कमर्शियल शूट नहीं होती बॉस। वो सारा नुकसान मैं उठाता हूँ अपनी जेब से। वो 4 दिन के पैसे होते हैं, हम 20 दिन लेके जाते हैं उसको, खाली इसलिए कि यार मजे करो। पाकिस्तान डिफाइन होगा इससे, क्लाइंट खुश होगा इससे, एजेंसियां खुश होंगी इससे, इंडस्ट्री बनेगी इससे। लोग नहीं समझते इससे, पैसा आ जाता है, इज्जत एक दफा जाती नहीं आ सकती वापस। पैसा आप रोज आ ठीक, सकते बिल्कुल हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू जामी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। आई नो दैट हम बहुत ही अजीबोगरीब टाइम में फंसे हुए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। यू आई वांटेड टू स्पीक टू यू बिकॉज आई फॉलो यू डिलीजेंटली, आई फॉलो योर जर्नी, यू आर वेरी वोकल। हम सही है, हम भी बाहर ही हैं, सब फंसे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वो सेम लेवल पे रहें, सेम वॉइस करें। मैं खुद भी इस थ्राइविंग फिल्म इंडस्ट्री का, टेलीविजन इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। बहुत अफसोस होता है कि हम ग्रो नहीं करते हैं, रिबेलियस चीज़ें करते हैं, लेकिन समझने वाला है ही नहीं। सो आई होप दैट यू नो पीपल लाइक यू कैन मेक अ डिफरेंस, पीपल लाइक यू एक्चुअली कीप ऑन टॉकिंग, पीपल लाइक यू एक्चुअली कीप ऑन मेकिंग द राइट नॉइज, बिकॉज सम डे और द अदर दिस विल मेक एन इम्पैक्ट। लाइक आज नहीं कल नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कल परसों में जरूर होगा। And I thank you for contributing massively to the industry. You have lots and lots of people who look up to you. You're a teacher as well. You've played a vital role. And we hope to see great things coming from your end. And we hope that, you know, Pakistan cinema industry bhi wapas grow ho. And I hope I did not bore you with this session. It was worth it. And feedback bhi हाँ अच्छा हाँ ho. And looking forward to, you know, meeting in person and doing some great things together.